हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एनी टाइम प्राइम मंत्रा में स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को और कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाए थे, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 से आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 इसमें बोलता है कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। बुक को लेके साथ में बैठिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिख सकते हम। एक समुच्च ए है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और उसमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, जो रिलेशन बनेगा ना वो एक्स कॉमा वाई सच डैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 तथा जो x है ना वो लेस देन 4 है, ये कंडीशन है कुछ। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि जो रिलेशन जो दिया हुआ है ना, जो ये मतलब संकेत कर रहा है कि जो रिलेशन बनेगा ना ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये वाले चीज़ को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक संबंध बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक R ले रहे हैं, ठीक है, रिलेशन संबंध को R से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और ये पता है ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे X होगा, यहाँ Y होगा। अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, Y इक्वल्स टू X प्लस 5, ठीक है, हमको X कहाँ तक लेना है, 4 से कम तक लेना है, ठीक है। 4 से कम क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही 3 नंबर होगा। जब हम लोग X 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो y क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू 6 मिल रहा है। तो x हम लोग क्या लिए, 1 लिए, तो y क्या मिला, 6 लिए, ठीक। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो जो दूसरा बनेगा वो 2 और 7 पेयर बनेगा। और तीसरा जब हम लोग यहाँ 3 लेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 3 और 8 हो जाएगा। ये कैसे संबंध बना, इसको यूज़ करके बनाया, ठीक है। x कहाँ तक लेंगे, 4 से कम तक लेंगे, यहाँ पे सब संकेत में दिया हुआ है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको इसमें बताना है ये समुच्चय है। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेन्स एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनेट ऐप, आज ही डाउनलोड कीजिए। डाउटनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सॉरी, स्वतुल्य है, ठीक है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य का बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए ठीक है, x रिलेटेड टू r होना चाहिए था। फॉर ऑल x जो है वो एक समुच्चय a का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी टाइप इस तरह का नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि समुच्चय नहीं होता है, समुच्चय होगा नहीं। यहाँ पे लिख देंगे लेकिन कॉमा जो एक्स कॉमा एक्स है वो इस संबंध में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक्स कॉमा एक्स क्या हो सकता है, 1, 1 हम लोग को कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कोई भी संबंध को, ठीक है, समुच्च संबंध को समुच्च नहीं होने के लिए कोई एक कारण काफ़ी है। तो यहाँ पे इस टाइप का कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जो R है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरह
अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग दूसरा चेक करेंगे सममित, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए था, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए था और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए था, ठीक है। फॉर ऑल क्या है, ए बी क्या है भाई, ये इस समुच्चय का अवयव है। तो यहाँ पे भी देखो इस टाइप का नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिख देना लेकिन, लेकिन 1 6 1 6 ये तो है इस संबंध में 1 6 है, लेकिन इसको जब हम लोग बदल रहे हैं, जब हम लोग इसको बदल रहे हैं 6, 1, ये अब चेक करो ये संबंध में कहीं नहीं मिल रहा है। जब उसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये संबंध में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना अतः R जो है सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है, तो सही स्पीड में बता रहे हैं। तीसरा, तीसरा चेक करना है क्या, संक्रामक, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी होता था, बी रिलेटेड टू सी होता था और ए रिलेटेड टू सी होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर डाल देना लेकिन, लेकिन कॉमा कोई भी एक उठा लो, ये 1, 6 ये तो है, लेकिन 6, 1 नहीं है, अथवा 1, 1 भी नहीं है, अतः जो R है वो संक्रामक, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट हमको याद रहेगा, ठीक है, तो आराम से बनेगा, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्वतुल्य के लिए हमको पता था कि इसका 1-1 पेयर बनना चाहिए था, जो x है वही x के साथ रहना चाहिए था, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 है। तो ये चीज़ हमको ये संबंध में कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। और ये संबंध कहाँ से आया, तो इसको यूज़ करके, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करके ये संबंध बनाया है, ठीक। उसी तरह सममित संबंध के लिए ए बी होना चाहिए, ठीक है, बी ए भी होना चाहिए, तभी वो सममित होगा। देखो ए बी तो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ए बी करके लिख रहे, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ ए बी है, वहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, वो बताने के लिए कि भाई सममित के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो 1 6 तो है, लेकिन जब उसको इंटरचेंज कर रहे हैं ना 6 1, तो वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सममित भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो हम यही चीज़ उठाए थे, ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिए हैं तुम ये ही लेके चलो, इसमें से कोई भी चीज़ उठा लो यार, कोई भी चीज़ उठाओ, उसको इंटरचेंज कर दो और फिर देखो उसको यहाँ से रिलेट करो, अगर वो चीज़ नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो वो संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक क्या था यहाँ पे, हम जैसे कि ये देखो ए बी है, समझो ये इस संबंध में है, फिर बी सी भी है जो कि इस संबंध में है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है, ई मत समझना, ये बिलोंग्स टू कहते हैं इसको। तो पहले वाला जो पेयर है ना उसका ए और दूसरे वाला का लास्ट वाला सी, ये भी होना चाहिए, जब ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तब वो संक्रामक होगा अथवा वो संक्रामक नहीं होगा। यहाँ वेरिएबल लिए हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ नंबर होगा, ठीक है। तो 1 का 2 भी क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग थर्ड नंबर पे जाएंगे, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, मेरे पास बुक नहीं है तो मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड किए हैं बुक का। चलो समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक रिलेशन है, चलो ठीक है इसको भी बना लेते हैं।
आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझ में तो आ रहा है ना क्या हम समझा रहे हैं? क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सारा टाइप्स ऑफ संबंध, जितने भी संबंध के प्रकार अगर सेट हो गया है माइंड में, तो आराम से बन जाएगा। ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार, ये सब तो अपने से भी बन जाना चाहिए। चलो देखो, जो वन का थर्ड नंबर, इसमें क्या है, एक समुच्च दिया हुआ है ए, जो कि क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी है, 6 है, ठीक है। तथा इसमें दिया हुआ है कि जो जो संबंध बनेगा ना, वो x कॉमा y की तरह होगा, साथ में y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। देखो इसका मतलब क्या है ना, जो भी y होगा ना उसको x डिवाइड कर देगा, यानी कि ये कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर यहाँ पे y अगर 4 होगा तो x 2 होगा, तो 2 जो है ये 4 को डिवाइड कर देगा, इस तरह से ये कहने का मतलब है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहला हमको स्वतुल्य पहचानना कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए ये स्टेटमेंट लिख देना, स्वतुल्य संबंध के लिए कैसे पहचानेंगे, तो ये x कॉमा x ये रिलेट होना चाहिए इस संबंध में, और फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब है कि जो x है वो किसका अवयव है, तो वो समुच्च a का अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग बनाएंगे ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग संबंध बनाते हैं, चलो अगर हम लोग संबंध बना रहे हैं, ठीक है, x और y लेके बनाएंगे ना, अगर y 1 होगा तो y को, y अगर 1 लिए तो 1 को कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, ठीक। उसी तरह अगर y 2 लिए तो कौन काटेगा, 2 काटेगा, ठीक है, 3, 3, ठीक है, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। चलो तो ये देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे एरो देख के लिख देना, सिंपलाइज दैट x कॉमा x बिलोंग्स टू R, इसलिए इसलिए जो R है, R स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, खत्म। चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा पे जाएंगे। दूसरा क्या है, सममित, सममित के लिए, के लिए ए बी रिलेट belongs to a, b belongs to r, और b a belongs to r होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन, चलो रिलेशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4, 4 को 2 आराम से काट सकता है, और 3 और 6, 2 और 3 होगा, और 3 और 6 भी होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 2 और 4 तो संबंध में है ही, लेकिन जब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं 4 और 2, ठीक है, वो इस संबंध में नहीं मिल रहा है देखने के लिए। और दूसरा तरीका से समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो y है वो भाज्य है x से, मतलब कि जो x है वो y को काट दे रहा है। यहाँ पे देखो y 4 है और x 2 है, तो 4 को 2 आराम से डिवाइड कर देगा, तो ये इस संबंध में आ सकता है, आ सकता है क्या, आएगा ही, लेकिन
टू जो वाई के प्लेस पे है उसको फोर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे टू को लीजिए फोर से डिवाइड कीजिए तो ये कटे, ये वन बाई टू, ये आंसर आएगा वन बाई टू, नहीं डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये संबंध में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देना अतः सममित संबंध, अतः आर सममित संबंध नहीं है, ठीक है, अतः आर सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पे जाते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड क्या है, संक्रामक देख छोटे, समझना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना। संक्रामक के लिए ए बी आर में होना चाहिए, ठीक है, बी और सी भी आर में होना चाहिए और ए और सी भी आर में होना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ए के जगह एक्स ले लो, बी के जगह वाई ले लो, क्योंकि एक्स और वाई में दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ से चेक करो, अगर हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन कैसा होगा, 1, 2, ठीक है, एक रिलेशन अगर बनाते हैं हम लोग 1, 2, 2, 6 और कहा गया क्वेश्चन 1, 2, 2, 4 और ये 1, 4, ये एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है, एक संबंध बना, ये 1 है और ये 2 है। देखो ये संबंध कैसे बन रहा है, देखो 4 को 1 डिवाइड कर रहा है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 को 1 डिवाइड कर रहा है, तो एक संबंध बना। अब यहाँ से चेक करो तो इस कंडीशन पे बैठ रहा है कि नहीं, अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देते हैं, देख लो यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, अगर इसको देखो यहाँ पे एक्स क्वेश्चन में एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली दे रहा है ना, तो एक्स और वाई ही ले लो, अगर ज़्यादा दिक्कत आएगा तो एक्स और जेड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 ये रिलेट हो रहा है, 2 और 4 भी रिलेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 और 4 इसका जो पहला पेयर है, इसका पहला वाला और दूसरा पेयर का लास्ट वाला 1, 4 भी इस संबंध में आ रहा है, ये देखो इस संबंध में आया ना, तो इसीलिए ये संक्रामक संबंध कहलाएगा, अतः आर संक्रामक, यहाँ संक्रामक संबंध है। यहाँ पे बहुत कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि वो रिलेशन सिर्फ उतना ही कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 1 और 6 ले लो, यहाँ पे 2 और 6 ले लो, यहाँ पे 1 और 6 ले लो, ठीक है, बन जाएगा ये। इसलिए उस तरह बने क्योंकि देखो हम लोग स्वतुल्य, हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ये जो R है वो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 2, 4 और 1, 4 करके समझा रहे हैं, उसके जगह पे अगर दूसरा भी पेयर आप लोग बना रहे हो और उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो वो संक्रामक होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये था तीसरा, 1 का 3rd, अब हम लोग 1 का 4th पे जाएंगे। पॉज करके वीडियो को लिख लेना, इसको लिख लेना बोर्ड पे, अब हम लोग 1 का 4th पकड़ेंगे, चेंजेस सिर्फ यही करेंगे, पूरा नहीं मिटाएंगे, और इसको यहाँ पे ये मिटा देंगे, ये उसी तरह रहेगा, रिलेशन मिटा देंगे हम लोग, इसको भी मिटा देंगे, ये पूरा मिट जाएगा,
ये भी पूरा मिट जाएगा। जो थर्ड है, समस्त पूर्णांकों, पूर्णांकों मतलब इंटीजर हो गया। चलो एक समुच्चय है, ठीक है, वो इंटीजर से बना हुआ है, एक समुच्चय है वो इंटीजर से बना हुआ है, और उसमें एक रिलेशन आर इस प्रकार दिया हुआ है संबंध, कि जो संबंध बनेगा एक्स माइनस वाई एक एक पूर्णांक है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब हो गया इंटीजर, इंटीजर को हम लोग जेड से संकेत करते हैं। चलो ये हो गया। एक समुच्चय है जो कि पूर्णांक से बने हुए हैं, उसमें जो संबंध बनेगा वो इस प्रकार होगा कि x माइनस वाई करेंगे तो वो एक पूर्णांक ही होगा। तो पता है इंटीजर में अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे स्वतुल का बात करें तो स्वतुल को पहचानने का तरीका होता है x x होना चाहिए, ठीक है, x x होना चाहिए। अब यहाँ पे स्वतुल के लिए अब देखो, अगर हम लोग x में से x माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। अगर x x के जगह वन वन, वन वन भी क्या इंटीजर ही होगा ना, वन वन भी तो इंटीजर है, तो अगर वन वन को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो भी एक इंटीजर है जो कि एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख देना जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x कॉमा x रिलेटेड टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इसीलिए r क्या होगा, r एक स्वतुल्य, r एक स्वतुल्य संबंध, r एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म, स्वतुल का बात हो गया, स्वतुल हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग सममित का बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सममित के लिए इस कंडीशन, ये कंडीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई ले लो, एक्स और वाई ले लो, यहाँ पे वाई और एक्स ले लो, ये इसलिए कि क्वेश्चन में एक्स और वाई को लेके ही चल रहा है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि x में से y माइनस कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और जब हम लोग y में से x माइनस कर रहे हैं, जब ये इंटरचेंज कर दे तो यहाँ माइनस का साइन लग जाता है और यहाँ 2 आ गया। या तो इसको इस तरह, आपको ये पता है ना, जब हम लोग इसको बदलते हैं तो यहाँ माइनस का साइन देना पड़ता है, ये माइनस लग जाता है, ये बात होना, ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। x में से y जब माइनस कर रहे हैं तो हम लोग मान लिए हैं कि वो 2, उसका जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये माने हम लोग, ठीक है, और जब हम लोग y में से x माइनस कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, ठीक है। या तो माइनस यहाँ लगाइए या माइनस हटा के यहाँ लगाइए, बात से बराबर ही है, ठीक है। तो देखो, इसमें से माइनस किए तो एक इंटीजर आया, इसमें से भी माइनस किए तो एक इंटीजर ही आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः r एक सममित है, सममित संबंध, सममित संबंध है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जब x माइनस वाई कर रहे हैं, ठीक है, x माइनस वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे संक्रामक के लिए देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पूर्णांक है, यहाँ पे
पहले वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, तो वैल्यू आ रहा था और हम लोग बना रहे थे। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस इतना यहाँ पे संकेत किया हुआ है कि x में से y माइनस करेंगे तो एक पूर्णांक बनेगा। देखो यहाँ से तो पता चल रहा है कि x में से y माइनस कर रहे हैं तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक मिल रहा है, और यहाँ पे एक तीसरा भी आ रहा है, तो y में से जब z माइनस करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक रहेगा, ठीक है, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक है। तो जब हम लोग x में से z भी माइनस करेंगे तो वो एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। x माइनस z हम इसको अभी भी बता सकते हैं ये कैसे हो गया, x माइनस z कैसे आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे ये हम रफ में समझा रहे कि x माइनस z कैसे पूर्णांक हो गया, यहाँ पे देखो रफ में बता रहे हैं। अगर हम लोग x माइनस y करते हैं और इसमें ऐड करते हैं y माइनस z, ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, x माइनस y प्लस y माइनस z। देखो माइनस y और प्लस y कट गया तो ये क्या बच गया, x माइनस z आ गया ना। दो पूर्णांक को ही ऐड किए तो एक पूर्णांक का जन्म हुआ ना, तो यही x माइनस z एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः r एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। यानी कि इसमें ये क्या था, ये थर्ड नंबर में ये स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। अब इसी तरह हम लोग फोर्थ टाइप पे जा रहे हैं, फोर्थ टाइप मोबाइल में देखना होगा, जो इजी है उसको मुंह से ही बोल देते हैं, वोकैबुलरी ही समझा देते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, समस्त पूर्णांक, फोर्थ हो तो बन गया ना, अरे ये थर्ड था क्या, चलो एक दो वो तीसरा था, ये फोर्थ, अरे ये फोर्थ था, ये वन का फोर है, ठीक है, फिफ्थ के अंदर, बाप रे, फिफ्थ के अंदर भी पांच है, उसको भी प्रूव करना है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर वाला देखिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों के समुच्चय के निम्नलिखित, चलो ठीक है, एक जगह का बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ का ए नंबर क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलो देखो, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही कार्यालय में काम करते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो अगर हम एक जगह काम करते हैं, अगर आप लोग भी एक जगह काम करते हो, तो हम तो अपने जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने खुद से रिलेट, अपने आप को खुद से रिलेट कर सकते हैं कि हम अपने जगह ही काम कर रहे हैं। तब तो x, x belongs to r, संबंध में r बन रहा है x, यानी हम खुद ही एक जगह काम बैठ के कर रहे हैं, तो ये एक स्वतुल्य होगा। अब देखो हम एक जगह काम कर रहे हैं, उसी जगह पे तुम भी काम कर रहे हो, यानी कि हम और तुम बोलो, आप लोग बोलो, या आप लोग या हम बोले, चलो हम बता रहे हैं, लगता कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो गया, हम तुम हम, ये फिफ्थ का पहला और दूसरा एकदम सेम है, ठीक है। इसमें एक और था यार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, इसमें पीडीएफ में गायब है क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू है वो, चलो इस पे, ये सब पहले का है, मिटाना, डिजिटल बोर्ड होता तो दिक्कत नहीं होता यार। चलो फिफ्थ का पहला, इसमें क्या बोल रहा है, संबंध, एक संबंध है, ठीक है, x कॉमा वाई, और वो कुछ इस तरह है कि x और y दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो अगर हम x, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर x, इसको देखो यहाँ पे क्या करना, जो क्वेश्चन है हल, ऐसे लिखना हल, ठीक है, और जो क्वेश्चन का जो रिलेशन दिया हुआ है ना, रिलेशन r इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है रिलेशन, ऐसे करके x कॉमा वाई सच डैट x तथा
तथा वाई, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन ब्रैकेट बंद है, तो ये पूरा लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या है काम करना है, वही चीज़ स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, एक्स और एक्स ये संबंध में होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स क्या है, तो ये एक समुच्चय का अवयव है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स कॉमा एक्स है ना वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। और ये कैसे रिलेशन में, देखो यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है कि उस तरह हम लोग पहले जो किए थे वो बता सकते हैं। अगर एक्स को हम अपने हिसाब से बात करें, हम यहाँ खड़े हैं, यहीं से खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को खुद से ही रिलेट कर रहे हैं, इस जगह से रिलेट कर पा रहे हो ना, आप लोग पढ़ रहे हो अपने ही जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, खुद से ही रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये स्वतुल्य है। तो यहाँ पे लिख देना अतः, अतः ये जो भी है अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अगर दूसरा का बात करते हैं, सम्मित, सम्मित संबंध के लिए, के लिए क्या होता है, एक्स और वाई बिलोंग्स करना चाहिए संबंध में, और वाई और एक्स को भी बिलोंग करना चाहिए संबंध में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और कुछ दिया हुआ है क्या, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, फिफ्थ कहाँ गया, फिफ्थ, चलो अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो x और y इस संबंध में है, और y और x भी इस संबंध में है, अतः अतः ये जो r है, ये जो रिलेशन है वो सम्मित संबंध है, ठीक है, वो सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। कैसे है अब देखो बताते हैं, x और y, x को हम अपने आप को समझ रहे हैं x, और यहाँ पे समझो कोई स्टूडेंट एक यहाँ पे है, ठीक है, वो है y, हम और वो स्टूडेंट यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम अपने आप को रख रहे हैं, ठीक है, चलो नहीं समझ में आ रहा, हम समझ गया, किसी को नहीं समझ में आ रहा, चलो x हो गया, x को हम लोग क्या ले रहे हैं, रोहन, रोहन x है, और मोहन क्या हो गया, y है। रोहन और मोहन अपने घर में रहता है, या तो पहले रोहन को बोलो उसके बाद में मोहन को बोलो, वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, या फिर पहले मोहन को बोलो, पहले मोहन को बोलो और आखिरी में रोहन को बोलो, वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, अब समझ में आया ना, या तो रोहन और मोहन, या तो मोहन और रोहन, दोनों तो भाई हैं, दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, अब समझ में आ रहा होगा, तो ये एक सम्मित संबंध है। समझ में आया, समझ में आया होगा इस बार, चलो अब देखो, अब सम्मित है ना, तो अब ये ऑब्वियसली संक्रामक भी होगा, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख देना, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे लिख देना, संक्रामक के लिए x, y belongs to R, y, z belongs to R, और x, z भी belongs to R। अब यहाँ पे रोहन मोहन था, अब दूसरा भी डाल दो सोहन, तीनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, या फिर एक ही जगह काम करते हैं, पहले पहले ये मोहन को लो चाहे सोहन को लो, बात बराबर है, अब समझ में आया ना, तो ये तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन में ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और संक्रामक भी है। अब फाइव का जो बी है, बी में क्या है कि बी में देखेंगे, देखो बी भी क्या है, बी में है कि वो एक मोहल्ले में रहते हैं, चलो मोहल्ले में रहते हैं, तो वो भी स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक भी होगा। अब सी का बात करते हैं,
एक ठीक 7 सेमीसेंटर लंबा है। चलो ठीक है, सी वाला देखते हैं। 5 का ए और बी, जैसे ए बताया वैसा बी ही है, एकदम सेम टू सेम है। 5 का बी यहाँ पे देख रहे हैं, 5 का बी ये पहले वाला का है, इधर मत ध्यान देना। ए और बी एकदम सेम है। अब थर्ड में जा रहे हैं, सी। सी में क्या बोल रहा है, एक संबंध है, एक संबंध बनेगा एक्स और वाई से, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है सच डैट जो एक्स है वो वाई से 7 सेमी सेमी 7 सेमी लंबा है, लंबा है। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे दे के रखा है। तो पहला कंडीशन हमको चेक करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए वही चीज है यार, वही चीज लिखना है, नहीं लिख रहे हैं हम। स्वतुल्य के लिए x, x belongs to R for all x belongs to समुच्च A। समुच्च के लिए x, x belongs to R होना चाहिए, for all x belongs to A होना चाहिए, खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बोल रहा है जो x है ना, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो y है वो इतना छोटा होगा। y समझो, y 1 सेंटीमीटर है तो x कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम x x से रिलेट करेंगे तो ये तो नहीं, संभव ही नहीं है। हम अपना ही हाइट बोलेंगे कि हम अपने ही हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, पागल है क्या यार। हाँ मेरा हाइट है 163, अब हम बोलेंगे कि हम 160 नहीं, हम 163 से 7 सेंटीमीटर ऊपर है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x, x नॉट बिलोंग्स टू R, आता ये स्वतुल है, R जो है वो स्वतुल नहीं है। अब दूसरा पे आते हैं, दूसरा है सममित। सममित के लिए वही चीज़ लिखना है, सममित के लिए x, y रिलेटेड टू R, y, x रिलेटेड टू R। अब यहाँ पे देखो, अभी तुरंत बताए थे जो x है ना, जो x है वो y से छोटा है, सॉरी जो x है वो y से लंबा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे y को तो नहीं बोल सकते हैं ना कि y भी 7 सेंटीमीटर लंबा है x से, y तो छोटा है ना x से, तो इसलिए इसमें ये संबंध नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, ये तो एकदम सही चीज़ है कि x और y ये एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ये बिलोंग्स टू कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि x जो है वो 7 सेंटीमीटर है और y जो है वो 1 सेंटीमीटर। ये हम लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए रख में डायग्राम बनाते चल जा रहे हैं, ठीक है। तो समित क्या बोलता है कि इसको बदल भी देंगे तो वो संबंध में होना चाहिए। अगर हम लोग x के जगह y कर देंगे और y की जगह x कर देंगे, यानी कि x के जगह हम लोग y कर देंगे, y 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और x 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि जो x है वही सिर्फ 7 सेंटीमीटर लंबा है, y छोटा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे कि अतः जो R है वो सममित संबंध भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संक्रामक के लिए। अब हम लोग यहाँ पे संक्रामक के लिए बात करेंगे। यहाँ पे संक्रामक के लिए बात चल रहा है, तो यहाँ पे अब इसलिए अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं कि x, y, ठीक है,
belongs to R और y, z belongs to R लेकिन x, z not belongs to R, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे ये x और ये y था, ये x और ये y था, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अगर y हम लोग लिख दे रहे हैं y और ये y यहाँ पे है, ठीक है, और z है यहाँ पे, ये x है, ये y हो गया, ये z हो गया, तो ये जो z होगा ना, ये z ये y से भी छोटा होगा, ठीक है, ये y से भी यहाँ पे z छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते हैं कि x और z में यहाँ पे रिलेशन एकदम नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये